और शुब का ज़्याा कुछ यूँ हैं कि आज तो बहुत ही अजीब व गरीब शुबा आया है और वो ये कि हर मुसलमान ये समझता है कि नबी अक्रम सल्ला वसलम वजाय तख्लीक कायनात कायनत हैं लेकिन एक मफ़्र कुरान कहते हैं कि यह बात गलत है कुरान में इसकी कोई दलील नहीं है बल्कि कायनात तो अल्लाह ने अपनी इबादत की वजह से पैदा की व मा जिन्न जन्न वन से वाला याब्दूँ

अल्लाह की इबादत वजह तखलीक तख्लीक कायनात जी ये हैं तो अगर अल्लाह की इबादत वजह तखलीक है तो फिर कायनात ने इबादत की क्यों नहीं कुफ़ार मुशर्किन ने अल्लाह की इबादत की मशरकों ने इबादत को खोटा कर दिया कुफार ने इबादत की नहीं बल्कि जो दहरी है कम्युनिस्ट हैं उन्होंने तो खुद बाबू को भी नहीं माना तो अगर वजह तखलीक कायनात इबादत थी तो फिर कायनात में इंसानों ने इबादत सब ने की क्यों नहीं फिर अबूजा लतबा शाहबा क्यों पैदा हुए नबी तो उनको इबादत का रास्ता बता क्यों नहीं इबादत की उन्होंने क्योंकि ये एक बात या कोई वजह जो होती है वो फेल से अलग नहीं हो सकती जी वजह फेल से अलग नहीं हो सकती जब इबादत वजह है वजह है तो फिर जो है वो अल्लाह की तख्लीक से अलग क्यों हुई जो मखलूक है वह सब इबादत करते फिर सारे इंसान अल्लाह की इबादत करते सारे इंसान इबादत क्यों नहीं करते इसका मतलब है कि ये इबादत वजह नहीं है तखलीक की वजह इबादत नहीं कोई और वजह है क्योंकि मैंने कहा वजह अपने फेल के साथ रहती है अलग नहीं होती अब देखो माँ बाप जो होते हैं ना वो औलाद के पैदा होने की वजह है माँ बाप के मिलाप की वजह से औलाद पैदा होती है ना है ठीक है ना और कोई औलाद बगैर माँ बाप के बजाय पैदा नहीं होती आम कायदे में मर्द औरत का मिलाप होता है तो पैदा होती है ना लेकिन पैदा होने के बाद उस औलाद का परपज क्या मकसद क्या है मां बाप इसलिए पैदा करते कि हमारा सहारा बने तो तखलीक की वजह मां बाप है ठीक है मां बाप का मिलाप है और मकसद उस औलाद का मां बाप का सहारा बनना है और मकसद आप ये मकसद अपनी मकसद जो होता है वो अलग हो सकता है फेल से यही वजह कि बहुत से औलादे अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनती बहुत सी औलादे सहारा बन जाती हैं लेकिन पैदा मां बाप की वैसे होती हैं मां बाप की मिलापसी होती है ठीक है ना अब ऐसे एक और मिसाल समझिए निकाह जो है निकाह सही होता है गवाहों की वजह से गवाह दो मौजूद होते हैं निकाह सही होता है ठीक निकाह सही हो गया लेकिन निकाह किया क्यों मिया बीवी ने आपस की मोहब्बत और औलाद तनासर और तवालुद करी ठीक तो वजह अलग नहीं हो सकती यानी बगैर गवाहों के निकाह नहीं हो सकता वजह हमेशा साथ रहेगी लेकिन निकाह का जो मकसद है वो क्या है क्या औलाद पैदा करना या मियाँ बीवी की मोहब्बत लेकिन हम मुशाह करते हैं सी मियाँ बीवी की मोहब्बत नहीं होती आपस में बहुत मियाँ बीवी को औलाद ही पैदा नहीं होती तो मालूम कि वजह अपने फेल से अलग नहीं हो सकती हाँ मकसद जो होता है वो अपने फेल से अलग हो सकता है तो ये जो आयत पेश की है ना कि वमा खलकिन आबुदून इसमें तो अल्लाह अपनी उस तख्लीक का मकसद बयान कर रहे हैं कि मेरे इस तखलीक का मकसद क्या है मेरी इबादत है और मकसद मैंने कहा अपने फेल से अलग हो सकता है तभी बहुत से लोग इबादत नहीं करते लेकिन वजह के बगैर जो कोई चीज वजूद में नहीं आ सकती हम ये बात कह रहे हैं कि नबी करीम सलम जय वजह तखलीके कायनात है वजह और वजह के बगैर फेल हो नहीं सकता ठीक हम ये नहीं कह रहे कि आप मकसद तखलीके कायनात हैं क्योंकि मकसद होता तो फिर आप ये कह सकते थे नहीं जी नहीं नबी की वजह से कब नबी मकसद नहीं है मकसद इबादत है हम तो वजह कह रहे हैं ठीक है ना तो वजह तखरीक कायनात नबी पासल्लम की जात है और वजह कभी अलग नहीं होती वजह कभी अलग नहीं होती और वो मुफ्र क़ुरान तो हैं लेकिन लगता है कि खाली दीहान है अगर ध्यान करते ना कुरान पर उनको कुरान भी पता चल जाता कि अब वाकई नबी वजह तखरीक कायनात है इसलिए मैं हदीस से हटके कुरान ही से साबित कर रहा हूं खुशरत अंबिया की आयता एक सौ सात एक सौ सात वन जीरो सेवन जी उसमें अल्लाह फरमाते वमा अरसल्लाह का इल्ला अलामतमीन ए पैगम्बर हमने तुझे भेजा है सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर ये कुरान की आयत है ना सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है अब यहां पर देखो रहमत जो का लफ इसको अल्लाह ने आम बयान किया है कौन सी रहमत मादी रहमत भी है मानवी रहमत भी है ज़ाहिरी रहमत भी है बातरी रहमत भी है, है? भी रहमत भी है ओखर भी, भी है रहमत को बिल्कुल आम रखा हर तरह की रहमत आपको बनाकर भेजा उधर आलमीन का आलमीन सारे जहानों के लिए आलम इंसान आलम हैवान आलम नबातात आलम जमात शजर वजर सब के लिए सारे आलमों के लिए सारे आलम शाम इवन है कि मुतकदमी और मुआरीन के आलम भी सारे शामिल हो गए यानी जो बाद में आने वाले उनके लिए भी आप रहमत हैं मुतान और पहले जो आ चुके हैं उनके लिए भी आप रहमत हैं क्योंकि आलमीन की अल्लाह ने कोई हदबंदी नहीं की कोई वक्त मुकर नहीं किया कि आपके बाद वाले वक़्त का जो आलम है उसके लिए राममत है ऐसा नहीं कहा ना आम कहा तो आपसे पहला का जो आलम है वो भी इसमें शामिल है आपके बाद वाला आलम भी शामिल है तो मैं मुफक्कर साहब से पूछता हूं क्या बाद वाले आलम के लिए मुताखरीन के लिए जो तो रहमत है वो तो समझ में आता है क्योंकि आपके बाद आए ना लेकिन आपसे पहले के जो बाबा आदम से जो चला रहे आलम उसके लिए आप भी रहमत कैसे होंगे कि वो तो गुजर चुके हैं ना आप उनके लिए रहमत कैसे होंगे बताइए कौम आद के लिए रहमत आप कैसे, रहमत आप कैसे होंगे कौम समूद के लिए रहमत कैसे होंगे हैं बाबा आदम के लिए रहमत कैसे होंगे आपसे पहले जितनी कौम इसराइल गुजर गए अंबिया उनके लिए आप रहमत कैसे होंगी मुझे ये पहले समझाइए क्योंकि आलमीन का लफ्ज़ तो आम है अगर वो फकर्र कुरान तो गौर करेंगे इससे मुतान मुतकदिन सारे ही मुराद हैं तो बताइए पहले वालों के लिए आप रहमत कैसे होंगे फिर बताइए क्योंकि अगर कहते नहीं आप रहमत रहमत हिदायत है कि आप हिदायत की रहमत लेके आए हैं तो जो पहले गुजर चुके हैं उनके लिए आपके रहमत हिदायत कैसे होंगी वो तो कुफर पर मर चुके हैं कैसे रहमत होंगे आप आप नहीं साबित कर सकते आपको एक चीज माननी पड़ जाएगी कि इस रहमत से मुराद जो अवलीन जो मिस्ताक वजूद कि दुनिया में हर चीज को वजूद आपके वजूद की वजह से मिला है यह आपको मानना पड़ेगा और वजह जब हम बनाएंगे इसको तो फिर कायनात का को कोई भी जर्रा उसका वजूद आपके वजूद की रहा में होगा और यह हदीस में भी नबी ने फरमाया और फिर मैं, मैं मुफक्कर साहब से एक और सवाल करता हूं कि अल्लाह ने जब तख्लीक़ की कायनात की आसमान पहले अल्लाह अकेले थे ना अब अल्लाह तो कदीम है अजली है उन्होंने जब कायना बनानी शुरू की सबसे पहले क्या बनाया था सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की वो मुझे बता दो कुरान से बनाए पहले अगर वो कुरान के दावेदार सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की उन्होंने अल्लाह ने यह बताएं क्योंकि जब जो तख्लीक़ होगी तो सबसे पहले कोई चीज़ तो बनानी पड़ेगी ना ऐसे ही अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया कुरान से सबत करें नहीं साबित कर सकेंगे और अगर साबित करेंगे तो उनको मानना पड़ेगा तो कोई तो चीज पहले बनाई वो पहले सबसे क्या बनाई और नबी ने उसी का इजहार हदीस में कर दिया कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया आपका वजूद नूरी सबसे पहले अल्लाह ने बनाया क्योंकि मबदा और मुंतहा तो किसी फेल का होता ही है ना तो अल्लाह की तखलीक जो है इस फेल का मबदा तो होगा ना नुकता इब्तदा नुकता इब्तदा क्या हुआ सबसे पहले आपके वजूद नूरी को बनाया अल्लाह खुद कहते हैं मेरे नूर को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया और फिर उस वजू आपका जो वजूद नूरी था उसकी आलम अरवाक के अंदर अल्लाह तबारक ताला साल साल तक तरबियत करते रहे उसकी तरबियत होती रही उस नूर की और फिर सारे अंबिया आते रहे अपने अपने वक्त में सबसे आखिर में आपके वजूद आपका वजूद अंसरी जो था उस वजूद अंसरी के अंदर उस नूर को अल्लाह ने मोजन करके पूरे आलम को रोशन कर दिया तो सबसे पहले तो आपका वजूद नूर बना है तो आपका वजूद सब नूर सबसे पहले बना तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी वजह से सारी कायनात बन रही है क्योंकि आपका वजूद बना तो बाकी चीजों का वजूद बना ना उसी नूर को अल्लाह ने तकसीम किया नूर के कुछ हिस्से से कलम को बनाया नूर के कुछ हिस्से से आसमान जमीन बनाए नूर के कुछ हिस्से से लौ लौ कलम बन रहे तो वो नबी का नूर है ना तो वजह तखलीक का कहना है तो नबी हुआ और वजह मैंने कहा कि वो अलग नहीं होती लिहाजा यही वजह है कि आलम कुफर के लिए भी आप रहमत हैं क्योंकि आलम कुफर का वजूद नबी के वजूद की वजह से हुआ क्योंकि वजूद खुद एक नेमत है एक रहमत है क्योंकि ये देखो अगर हमारे जिसम जान का वजूद ना हो हम ईमान कैसे कबूल करेंगे ठीक है ना ईमान कबूल नहीं करेंगे तो जन्नतें कैसे मिलेंगी मालो ये वजूद जिसम जान की नेमत सबसे अवलिन नेमत है उसके बाद आपकी ईमान शुरू होते हैं तो उसके बाद आपकी नमाज रोज़े शुरू होते हैं ये वजह जब यह वजूद फना हो जाता मर जाता है तो इंसान नमाज रोज़े मुनकते तो लिहाजा ये वजूद ये, ये ख़ुद एक बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत अल्लाह तबारक अतारा नबी की वजह से अता की सारी कायनात को क्यों कायनात जब बनी सबसे पहले नबी के नूर को बनाया तो लिहाजा उन स्कालर साहब का ये कहना कि नहीं जी नहीं ये इबादत की वजह इबादत वजह नहीं है वो तो पर्पज़ मकसद है वो तो मकसद है वो वजह नहीं है वजह आपकी ज़ात आली है कि आपकी जात की वजह से अल्लाह तबारक वाले कायनात बनाई मतलब मैं छोटी सी मिसाल दे तो आपने कॉन्फ्रेंस करनी है बड़ी कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं आप सोचते यार वो जो स्कॉलर है ना यार उससे अगर टाइम मिल जाए ना ये कॉन्फ्रेंस को मैं स्कैजल करूंगा आपने कॉल किया हेलो सर आपके पास टाइम है अगस्त के आखिरी हफ्ते में हम कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं संडे में ओके okay, ठीक okay, है आफ्टरनून में मैं आपको दो घंटे दे सकता हूं ओके सर ठीक है डन आप सबसे पहले उस बंदे की ओके okay लेते हैं जब वो जैसी ओके okay होती है अब आप फौरन तैयारी शुरू स्कैजल करते हैं भाई वो फलां हॉल बुक करवाओ भाई फला मेहमानों को बुलाओ फला फला उसे मुकर बुलाओ ये स्कैजल बुलाओ सेक्रेटरी को पूरा शेड्यूल प्रोग्राम का दे रहे हैं है अब ये कॉन्फ्रेंस सज रही है ये पूरी कॉन्फ्रेंस किसकी वजह से आपने सजाई उस उस स्कॉलर की वजह से जिसने आपको टाइम दिया वजह वो बना लेकिन वो सजाए किस लिए दीन की इशात के लिए तबलीग के लिए मतलब कान्फ्रेंस आपने करनी है तो बड़ा जो स्कॉलर था जिसे टाइम दिया उसकी वजह से आपने ये सारा जलसा बनाया अब जब जलसा शुरू हुआ तो वो स्कॉलर साहब जो है वो स्टेज पे हैं या अभी अपने पर्दे में है छोटे छोटे स्कॉलर आके तकर आप दे रहे हैं हालांकि वह सारे वजह नहीं है वो तो सिर्फ वो जय क्या कर रहे हैं उस आने वाले का गोह के इस्तबाल ये दे रहे हैं जी। अब वो पाँच छः मुकर तकरीरें कर लीं अब आखिर में बड़े आ गए तकरीर उन्होंने की जिनकी वजह से ये जलसा सजा था आखिर में आए हैं लेकिन आपने ओके सबसे पहले उससे लिया ठीक उनकी वजह से आपने ये सजाई जब ये हो गई उन्होंने तकरीर जब कर दी उसके बाद जलसा कायम रहता खत्म हो जाता खत्म हो जाता बस यही समझें अल्लाह तबारक व तार ने आसमान जमीन के ये जलसा जब कायम करना चाह तो सबसे पहले वजह को खड़ा किया कि मोहम्मद को पैदा करना में यह आखिरी मुकर होगा इस कायनाती इंसानी का जो यहां पर हिदायत का ऐलान करेगा उसको पहले तैयार किया नूर मोहम्मदी जब वो उनके बारे में आपने अल्लाह ने अपना सेटअप कर लिया मुकमल अल्लाह तबारक शुरू का बनाने कर दी। जलसा से जाने कर दिया नतीजा आदम का पहला खतीब आया दूसरा खतीब आया के लिए नहीं आए क्योंकि उनको पता बड़ा आने वाला है और हर एक बात वाले खबर देते यार हमारे बाद बड़ा आने वाला है, है? और सभी और तो ने कहा मेरे बाद आने वाला है नबी कुरान में कहा अहमद होगा तो इस जलसे में सबसे आखिरी मुक्रा है जिसकी वजह से जलसा सजा था तो वजह तो आप ही हुए फिर नबी हुए वजह आपने जलसे की तकरीर की और आके कह दिया आना वसादी का हातैन में और क्यामत यूं करीब करीब है जैसे ये दो उंगलियां क्योंकि मेरे बाद अब ये ये बिसात लपेट जाएगी मेरे बाद अब कोई नबी नहीं तो देखो वो जलसा सजा किसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लेकिन उस जलसे का पर्पज क्या है हिदायत को फैलाना तो मकसद और होता है वजह अलग होती है तो मकसद तख्लीक जो है वो इबादत है और मकसद अपने फेल से अलग हो सकता है तभी तो बहुत से लोग इबादत नहीं करते कितना अबू जहल उतबा शहबा ने नबी को माना भी नहीं हो सकता है। नहीं माना इख्तियार उनको लेकिन वजह से नहीं अबू जहल का वजूद नबी के वजूद की वजह से मिला उसको नबी को वजूद बख्शा उनके रहमत वजूद की वजह से आगे सबको वजूद मिला तो रहमत आलमीन की आयत के अंदर अल्लाह तबारक मताल अवलीन मकसद में आपके रहमत वजूद को बयान कर रहे हैं कि आपका जो है वजूद वुझू, रहमत वजूद जो है ये सारी कायनात के लिए रहमत है क्योंकि आपको पैदा करना था तो सबको पैदा किया आपको पैदा करना मकसद ना होता तो किसी को भी पैदा ना करते तो ये तो कुरान से साबित तो हो रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या है वो रहमत वजूद अब आप क्या नहीं जी नहीं वो तो हिदायत की रहमत हिदायत हैं अगर रहमत हिदायत हैं तो नबी की कोई खसूसियत नहीं रहमत हिदायत तो आदम भी थे इब्राहिम भी थे हर नबी रत हिदायत हिदायत हर नबी फैलाता है तो आपकी क्या खसूसियत हुई इसका मतलब है बात कुछ और है वो ऐसी बात है उसमें और नबी भी शरीक नहीं हो सकते और वज़ी वो क्या है वो रहमत वजूद आपके वजूद की वजह से सबको वजूद मिला तो आप वजह तखलीके का बने ये आलमीन की आयत बता रही है और मैंने बताया अगर ये बात नहीं तो फिर बताएं कि जो जो पहले गुजर गए हैं उनके लिए आप रहमती हिदायत कैसे बनेंगे वो तो कोफर में मर चुके हैं इसका मतलब रहमत वजूद मुराद है कि नबी का वजूद सबकी वजूद की की, की वजह बना है ठीक है ना इसलिए उनका यह कहना कि जज्बाती जुमला जज्बाती नहीं यह कुरान की दलील है कि वो अर सल्लाह कालमीन क्या आप रहमत हैं और रहमत को आम से मैं कहा ना रहमत वजूद भी मुराद है और रहमत हिदायत भी मुराद है किस्मत वालों ने हिदायत भी हासिल की लेकिन वजूद जो आपका ये ऐसी वजह है इस वजह से ना काफिर निकल सकता है ना मोमिन निकल सकता है ठीक है ना वरना अगर आप आपकी रहमत रहमत हिदायत मुराद हो तो ईंट और पत्थर के लिए आप क्या रहमत हिदायत होंगे ईंट पत्थर को आप क्या हिदायत देंगे सांप बिच्छू के लिए ये के जो आपने फरमाया काफी मुश्रकल करो मैदान जिहाद में तो आप तो उसको कतल करा रहे हैं। आप रहमत कैसे बन रहे मालूमत वजूद इन सबको वजूद आपकी वजूद की, की वजह से मिला है लिहाजा जब ये आप उनको पैगामी हिदायत दे रहे हैं तो इनको चाहिए कि अपने मोसिन का एहसान मान के उसके कहे पर चले जब उसके कह पर नहीं चल रहे एहसान फरामोशी कर रहे हैं तो ऐसे गुफार कतल करने के काबिल है यह मूजी है ठीक है ना और शाम बिच्छू यह मूजी है चूंकि ईजा ये, ये, ये ये पहुंचाते हैं यहां तक खुद नबी पाक को डस लिया आपने जूता पहना आपके नारायण में छुपा बिच्छू काट लिया आपने पाओं निकाला आपने कहा यह जालिम नबी गैर नबी को भी नहीं पहचानता यह जहां मिले उसको कतल करो भले नमाज में हो क्यों नबी ये कहना चाहते हैं इस बिच्छू कम वक्त को वजूद मेरे वजूद की वजह से खुदा ने दिया मुझे पैदा करना था तो इसको पैदा किया इस जालिम ने अपनी वजह तख्लीक का कि यह कदर की कि उसी को डस रहा है यह एहसान फरामोश है और एहसान फरामोश की सजा कतल होती है उसको मारो वो इज्जत के काबिल नहीं है तो मालूम हुआ कि हर पहलू से मैंने कोशिश की आपको बता दिया अब वो जो मुफ्र कुरान अगर दयाना इल्मी मैदान में तो वो इस पर गौर करें कि रहमत से मुराद कौन सी रहमत है रहमत वजूद ही उनको मानना पड़ेगा कि जो वजह तखलीक कायनात बनकर उस तखलीक से अलग नहीं होती और आलमीन से कौन सा आलम मुराद है कि जो मुतकदमीन का आलम गुजर चुका उसके लिए फिर आप रहमत कैसे होंगे ये बताइए आपको मानना पड़ेगा सिर्फ तखलीक रहमत वजूद ही एक रहमत है कि जो सारे आलमों के अंदर मुहित है और बाकी आप हिदायत रूहानी ईमानी अनवरत वो अल्लाह तबारक वाला वा वो आपके जैसे पहुंचाते हैं तो वो मोस का इंसान मानकर उनकी बात माननी चाहिए जब उतवा शाह अबू जाल नहीं मानी तो वो जरांदा दरगाह किए गए और इसी तो नबी ने कहा कि सबसे पहले मेरे नूर को तो वजूद नूरी जो आपका था सबसे पहले पैदा किया गया और वही फिर आपके वजूद वजूदी के अंदर नूर रोशन हुआ तो पूरे आलम के अंदर जो है आपका आफ्ताबी हिदायत फैला कि भाई ये वो असल मोहसिन है कायनात का जो सबसे आखिर में आ रहा है जिसकी वजह से तुम लोगों को वजूद मिला है लिहाजा इसको मान लो तो इसका मतलब तुम एहसान फरामोश नहीं हो एहसान मंद हो अगर एहसान मंद हो तो दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी जन्नत मिलेगी अगर एहसान फरामोश इसको नहीं माना तुमने दुनिया में रस्ो और आखिरत में भी जानो मिलेगी सुबह ये है भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत ये ये एक्सप्लेनेशन जो है ये 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 आ, लासानी है बहुत खूब और, और और मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये कम से कम तीन क्रेडिट्स हैं चंद मिनटों में जो आपने कर दी ये घंटों की जो बात है वो आपने मिनटों में पूरी कर दी है तो तो इस, इसका इसके एहसान मंद हम सबको रहना चाहिए कि आपने आपने बहुत खूबसूरती से सादा अल्फाजों में वो बात बता दी जिसके लिए कन्फ्यूजन था थैंक थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस कन्फ्यूजन